पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप किस मुंह से कहते हैं मोदी साहब कि आप मजबूत हैं? मणिपुर के बाद भी आप कहते हैं कि आप ये मजबूत सरकार चला रहे हैं। जुम करो। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाए आप, आज तक आप भी, अभी भी कहते हैं कि आप मजबूत सरकार चला रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आज। इंडिया टुडे को आपने इंटरव्यू दिया, किसने लिया, क्या सवाल थे हमें नहीं मालूम है, देश को नहीं मालूम है, जरूर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आप? नहीं। मैं कल ही उसमें सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था किस प्रधानमंत्री ने कितने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आप सबसे ज्यादा मजबूर सरकार चला रहे हैं मोदी साहब। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी आप 150-150 सांसदों को संसद से बाहर कर देते हैं, संसद में चर्चा नहीं करने देते हैं। अडानी और अंबानी को आप मदद पहुंचाते हैं, 25-25 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ हो जाता है और देश के ऊपर 5 गुना कर्जा आप बढ़वा देते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। शर्म करो। 700 किसान शहीद हो जाते हैं। आपसे ज्यादा कमजोर और कम जिस तरह की सरकार, मजबूर सरकार आप चला रहे हैं, आज तक कभी नहीं चली। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार मजबूर है। देखिए मैं माता जोड़ हूँ जो इसमें आया हूँ। थोड़ी मर्यादा रखिए। नए भारत के शिल्पकार, इंडिया टुडे के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम आपको बता दें जो बड़ी बातें इसमें कही गई हैं। कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करता, अच्छा हो इसके लिए करता हूँ। अच्छा और जब मैं शुरू करता हूँ तो मुझे समापन बिंदु पता होता है कि ये काम कहाँ पर जाकर रुकेगा या समाप्त होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी साहब, आप कहते हैं आपको तो अंतिम बिंदु पता होता है, क्या आपको ये पता था कि 3 काले कानून आएंगे और उनको वापस लेना पड़ेगा? मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या आपको पता था कि 80 करोड़ लोगों को खाना देने के बाद भी हंगर इंडेक्स में हम नीचे चले जाएंगे? ये गड़बड़ है बाबा। क्या आपको पता था कि 2 करोड़ रोजगार का जुमला देकर आप चले गए? क्या आपको पता था कि नोटबंदी के इतने बड़े दुष्परिणाम आएंगे कि जो कैश फ्लो है वो डबल हो जाएगा? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्या आपको पता था कि चाइना घुसा हुआ है और मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ? क्या आपको पता था कि मणिपुर में क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता था ये सब तमाम चीजें कि किस तरह से चाइना घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देश संकट में है। क्या आपको पता था कि किस तरह से आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है? आप ही तो कहते थे कि उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का शासन, सरकार और राजा जो है करप्ट होता है। तो क्या आप करप्ट हैं?